साथियों, कभी सोचा है कि इंसान नंगा ही क्यों पैदा होता है? इस बात को गहराई से सोचना कि पैदा होते वक्त किसी भी इंसान के तन पर वस्त्र नहीं होते, प्रकृति उसे कुछ नहीं देती, खाली हाथ भेजती है। होना तो ये चाहिए था कि इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर कुदरत ने आसमान से उसके जरूरत की सभी चीज़ें टपका दी, गाड़ी भेज दी, मकान भेज दी, ऐसो आराम की सभी चीज़ें भेज दी, खाने पीने की चीज़ें भेज दी कि ले भाई खा पी और ऐश कर। लेकिन कुदरत कभी ऐसा कभी नहीं करती। क्या कुदरत के पास ये सब चीज़ें होती नहीं है? ज़रूर होगी, पर कुदरत कहती है कर्म कर, जो चाहता है मुझसे ले ले, तेरी ज़रूरत की हर चीज़ इस दुनिया में मौजूद है, तेरे मन में इच्छाएँ जन्म लेती रहेगी, लेकिन कर्म करके तू अपनी हर इच्छा पूरी करते रहना। कुदरत कहती है सावधान रहना, अगर तूने कर्म नहीं किया ना तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, और फिर एक दिन मैं तुझे ऐसे ही वस्त्रहीन वापस बुला लूँगी। पृथ्वी का सारा वैभव तुझे पृथ्वी पर ही छोड़ना होगा, कुछ भी तेरे साथ ना जाएगा, सुख और दुख मेरे ये दो दूत तेरे साथ रहेंगे हमेशा। तू जैसे जैसे कर्म करेगा तुझे वैसे वैसे फल मिलते रहेंगे। साथियों, ये है नेचर का चमत्कार। प्रकृति कहती है इस संसार में सब कुछ है जो तुम सोच सकते हो, और वो भी जो तुम नहीं सोच सकते, पर कर्महीन के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है इस संसार में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन जो कर्म ना करे उसके लिए कुछ भी नहीं है। गांधी जी कहते थे सबसे बढ़िया कमाई पसीने की कमाई। उन्होंने कहा जो इंसान बिना मेहनत किए रोटी खाता है ना, वो चोरी की रोटी खाता है। स्वाभिमानी इंसान कभी दूसरों की मेहरबानियों पर ज़िंदा नहीं रहते। कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। लोगों की दिक्कत क्या है जानते हैं? बड़ा काम मिल नहीं रहा और छोटा आप करेंगे नहीं तो फिर ज़िंदगी में क्या करेंगे? क्या यूँ ही इस ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हो जाने देंगे? आज ज़रूर कुछ लोगों के पास ज़िंदगी के कुछ सहारे होंगे, माँ बाप का सहारा होगा, इधर उधर का कोई सहारा होगा, लेकिन कल यदि वो सहारे नहीं रहे तो क्या करेंगे हुजूर? इस बात को आज अच्छे से समझ ले कि जो समय आज आप ख़राब कर रहे हैं ना, कल वही समय खून के आंसू रुला देगा, और ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी हंसते हंसते। काम चोर और कर्महीनों की यही गति होती है। नोट कर लो मेरी इस बात को कि दुनिया में समझदार लोग किसी काम को छोटा नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि छोटे से ही बड़ा हुआ जाता है, हर चीज़ छोटे से ही बड़ी होती है। खुद सोचो, दिमाग लगाओ, आप बड़े पैदा हुए थे कि छोटे? आप 20 साल के तो पैदा नहीं हुए थे ना, धीरे धीरे ही बड़े हुए थे। एक छोटा सा बीज ही पेड़ बनता है, मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता, नीचे से ऊपर की ओर बनता है। नोट करो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सारा ब्रह्मांड उनके ही हाथ में है, लेकिन जब वो भी इस धरा पर आए तो बाल रूप में ही आए, चाहे राम हो, कृष्ण हो, नानक हो या कोई पीर पैगंबर। प्रकृति नेचर हमेशा छोटे से बड़े होने को सपोर्ट करती है, इसलिए किसी भी काम को कभी छोटा मत समझना। कोई भी काम हाथ में लेकर मेहनत और लगन से उसे बड़ा बनाना। उठो, कमर कस लो, कसम उठा लो, इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है या कुछ बनना है। गुमनामी की मौत नहीं मरना, पूरी दुनिया के लिए नहीं, कम से कम अपने देश के लिए बनो। देश के लिए ना सही, कम से कम राज्य के लिए बनो। राज्य के लिए ना सही तो सोसाइटी के लिए ही सही। ऐसी मिसाल कायम करनी है कि लोग आपको और आपकी मेहनत को कालांतर तक याद रखें। कोई इस धरती पर आया था और अपने निशान छोड़ गया। ये दुनिया आपको एक कर्मवीर की तरह याद करें, ना कि एक कामचोर और निकम्मे इंसान के तौर पर। दोस्तों, जहां हो वहीं से शुरू करो, जैसे हो वहीं से शुरू करो, बस शुरू करो, बड़े से नहीं छोटे से शुरू करो। यहाँ सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव के बारे में बात करते हैं, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन देव जब 4थे गुरु के अखाड़े में शामिल हुए
तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उन्हें छोटे छोटे काम करने को दिए गए। उनके कामों में झूठे बर्तन साफ करना शामिल था। अर्जुन देव को जो भी काम बताया गया उन्होंने उसे बड़ी लगन और ईमानदारी से पूरा किया। उन्होंने छोटे काम करने में कोई संकोच नहीं किया, ना ही किसी तरह का कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें था। वहाँ मौजूद बाकी अन्य शिष्य सत्संग का आनंद लेते थे, परंतु श्री अर्जुन देव आधी आधी रात तक काम में लगे रहते थे और काम पूरा करके ही आराम करते थे। वहाँ के लोगों में ये परसेप्शन बन गई कि गुरुजी अर्जुन देव को तुच्छ समझते हैं, छोटे मोटे काम ही इनको देते हैं। मगर उन्हें नहीं पता था कि गुरुजी सच्चे पारखी। गुरुजी की समाधि का वक्त आया। समाधि लेने से पहले गुरुजी ने अपने शिष्यों में से एक को अपना उत्तराधिकारी चुना और उसका नाम एक लिफाफे में डाल के लिफाफा बंद कर दिया। गुरुजी की समाधि लेने के बाद जब वो लिफाफा खोला गया तो सब हैरान हो गए। उसमें अर्जुन देव जी का नाम लिखा था। तब अन्य शिष्यों को समझ आया कि जिस काम को तुम छोटा समझते हो ना, उसी में गुरु आपकी असली परीक्षा लेता है कि जो इंसान छोटा काम नहीं कर सकता तो वो बड़ा काम कैसे करेगा। जो इंसान कम वजन ना उठा सके उसे भारी वजन कैसे दिया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि कोई काम छोटा नहीं, यदि मनपसंद काम मिल जाए तो मूर्ख भी उसे पूरा कर लेते हैं, किंतु बुद्धिमान इंसान वही है जो हर काम को अपने लिए पसंद का काम बना ले और उसी में रम जाए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी मेरे दोस्त, कभी ब्रिटेन के अंदर बेकारी का दंड दिया जाता था, यानी जो इंसान बेकार बैठा है उसे दंड दिया जाता था। पहली बार किसी को बेकारी के जुर्म में पकड़े जाने पर उस इंसान को जज के सामने पेश कर उसका गुनाह सबमिट किया जाता था। दूसरी बार अगर वही इंसान बेकारी के जुर्म में पकड़ा जाता था, उसके हाथ दाग दिए जाते थे, कोड़े मारे जाते थे और कान का ऊपर का भाग काट दिया जाता था। तीसरी बार उसे कैद की सज़ा सुनाई जाती थी और चौथी बार मृत्यु दंड ही दे दिया जाता था। और ये लॉ से ब्रिटेन में नहीं था, पूरे यूनान में भी बेकारी का अपराध का दंड भोगना पड़ता था। आप सोच के देखिए, अगर पूरी दुनिया में जो बेकार बैठे हैं, निकम्मे और आलसी है, अगर उनको ऐसी पनिशमेंट मिल जाए तो क्या होगा, ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो शब्द है आलस। आलस एक बहुत ही मीठा दुश्मन है, ये बड़ी धीरे से आपको बोलेगा, अरे भाई अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, क्यों शरीर ख़राब कर रहे हो, क्यों कोलू के बैल की तरह लगे हो, थोड़ा आराम कर लो, काम तो रोजी करना है। इस आलस की वजह से ही खरगोश जैसा जानवर कछुए से रेस हार जाता है। चलो थोड़ा आराम कर ले, कछुआ तो अभी बहुत दूर है। दोस्त, इस दुनिया में आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, इसे तुरंत मार डालो। दुनिया के बहुत बड़े लेखक हुए खलील जिब्राल, वो कहते थे तुम बहुत भले हो जब अपनी गोल की ओर पूरी ताकत से बढ़ते हो, लेकिन बुरे तुम तब भी नहीं जब अपने गोल की ओर लंगड़ाते लंगड़ाते जाते हो, क्योंकि लंगड़ाते हुए चलने वाले लोग भी कभी पीछे की ओर नहीं जाते। इसलिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बस बैठो मत। धन्यवाद दोस्तों।